बहराइच के नानपारा कोतवाली के माशुकपुर गांव में देर रात को बरावफात का जुलूस गांव के लोग निकाल रहे थे, तभी एक बिजली के पास सभी पहुंचे जिसमें करंट उतर रहा था। करंट की चपेट में आने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। कुल 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 1 घायल है। मौतों से गाँव में मातम छा गया है, कुछ घरों में ताला भी लग गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गांव पहुंचे। जिले के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम माशुकपुर गांव में शनिवार रात 10 बजे के बाद बरावफात को लेकर जुलूस निकाला गया। गांव के लोग जुलूस में शामिल होकर जा रहे थे। देर रात को एक बिजली के खंभे के पास जुलूस पहुंचा। खंभे के नीचे भरे पानी में करंट आ रहा था, जिसकी चपेट में लोग आने लगे। करंट लगने से 3 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी को बहराइच मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रविवार सुबह तक 2 और लोगों की मौत हो गई। 6 मौतों से गांव में मातम छा गया, परिवार के लोग विलख रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह, सीओ जंग बहादुर यादव समेत अन्य अधिकारी गांव पहुंचे, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक भी गाँव पहुँच गए। रात में लगभग 2 बजे समाप्त हो गया था, तो इसी गांव के कुछ लड़के एक ठेला तली हुई ठेला लेके, जिसमें लोहे का पाइप बंधा हुआ था, वो लेके बिना किसी को बताए 8-10 लड़के जो है वो बगल के गांव में मुसापुर गांव पड़ता है वहाँ चले गए थे, और वहाँ पर ठेला से जा रहे थे। उस सड़क जो है वो तार गुजर रही थी, उसी तार से उनका वो पाइप टच कर गया, जिससे लोग गुजर गए और एक दूसरे को बचाने में जो है वह 5 लोग की मृत्यु हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और अनुविधिक कार्रवाई सुनिश्चित। क्या परिजन इसका पीएम कराएंगे सर? परिजन जो है पीएम नहीं कराना चाहते हैं, तो बताया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुर्घटना है और उनसे वार्ता भी की गई, तो उनका कहना है कि नहीं, पीएम नहीं कराना चाहते। क्या घटना हुई पूरी बताइए। इधर से 4 बजे बच्चे लोग गए, तार वो देखे नहीं, अंधेरे में तार नीचे लाइट पड़ा था, गांव में भी बहुत नीचा लाइट है, हम लोग कंप्लेंट भी डाले 2-3 बार, पैसा भी इकट्ठा करे, फिर भी उधर के बोले हाँ हो जाएगा, फिर हुआ नहीं। रात में बच्चे लोग गए, कम से कम 15-20 बच्चे थे, फिर वो लोग ऊपर देखे नहीं, नीचे भी तार था, वो उसमें करंट मार दिया, 6-5 बच्चे की मौत हो गई जगह पे, और 1 चौरी कोटिया का, 2 उधर अस्पताल में भर्ती है। किसकी लापरवाही है ये? ये बत्ती वाले विभाग के, हम लोग 2-3 बार कंप्लेंट भी मारे, पैसा भी इकट्ठा, 8,000 भी देखे है उधर, 8,000 उन लोग को देखे है, बत्ती वालों को 8,000 हम लोग के पास जमा भी है, कम से कम 6 महीने से इधर हम लोग दौड़ भाग लगाए, वो एक केवलपुर का था, वो भी था, वो मर गया बेचारा, वो बात कराया था हम लोग से बत्ती विभाग वाले से, वो इधर गांव में पूरा चेक कर लीजिए, हमारे गांव का 3 मौजा है, 3 गांव में जाके देख लीजिए तार कैसा है, हम लोग चंदा लगा के अपना तार ज्वाइंट करते हैं, फिर भी तक जाता है, ऐसा हो रहा है, उसी वजह से हादसा हुआ। प्रधान भी बोला उधर उसे ज्वाइंट करने का, तो बोला हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आज जुलूस कहाँ का था? 12 रबी लोवल का था, उसी में गए थे। हाँ, उसी में हादसा हुआ है। कई लोगों की मौत हुई है? 5 लोग इधर है, हम एक दूसरे गाँव का है, लड़का मेहमान आया था, 2 अस्पताल में भर्ती।